आपका आदमी? ऐसे उद्दंड और उपद्रवी व्यक्ति को शिरडी में लाने के पीछे आपकी क्या सोच थी रत्नाकर जी? आप जानते हैं उसने मेरे साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया? और उसे लाना ही था तो उसे बताना चाहिए था मेरे बारे में, शिरडी के मुखिया के बारे में। उसे शिरडी के राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह ज्ञात होना चाहिए था। यही दिक्कत है इस दिलावर के साथ, अपने से बड़ा किसी को समझता ही नहीं। उसे लगता है कि वो ही सबसे बड़ा है। भ्रम, ये उसका भ्रम है रत्नाकर जी। यदि उसे मेरी शिरडी में रहना है तो मेरा सम्मान करना सिखाइए, अन्यथा आप उसे जहां से लेके आए हैं वहां भेज दीजिए। कुलकर्णी सरकार, आपको पता है आपकी एक समस्या है, आप पूरी बात जाने समझे बिना सीधा निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अब आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप मुझे क्या कह रहे हैं। आप मुझे दिलावर को यहां से ले जाने के लिए कह रहे हैं। क्यों रखूं मैं उसे यहां मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए? रखना होगा दिलावर को यहां शिरडी में, रखना होगा, क्योंकि मैं दिलावर को शिरडी में लाया हूं उस साई को यहां से निकालने के लिए। और वैसे भी अगर आप मुझे मेरी मिल के लिए भूमि दिलाने में सक्षम होते तो उस दिलावर अली को यहां लाने की नौबत ही ना आती, परंतु आप तो नाकामयाब रहे ना। और दिलावर अली अपना काम बखूबी कर रहा है। तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास, बहुत छोटी समस्या है तुम्हारी। मतलब आपके पास गन्ना है? मुझे तो यहाँ सबने कहा कि यहाँ कहीं गन्ना नहीं मिलेगा। सबने सही कहा तुमसे, और जहाँ उस्तादों के उस्ताद हो तो तुम्हें अपने उस्ताद से डरने की क्या जरूरत? उस्तादों के उस्ताद कौन? मेरे साई। कभी सोचा है शिरडी के लोग साई से इतना प्रेम क्यों करते हैं? तुम तो उनके साथ रह रहे हो, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि हाल ही में सखाराम के गुम हो चुके बैल को साई ने खोजा, चांद पाटिल की मदद की, लेकिन अब भी तुम इन्हें पहचान नहीं पाए। हाँ हाँ, ये तो मैं सब जानता हूँ, लेकिन जब शिरडी में गन्ने की पैदावार नहीं है तो गन्ना कहाँ से लाएंगे मेरे लिए साई? श्रद्धा और सबूरी रखो, सब संभव कर सकते हैं साई। तुम नहीं जानते उन्होंने मेरे लिए क्या किया था। साई खंडर में मिले तो अभी क्या भी? तूने इस कुल्हाड़ी से, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में? मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो यहां मौजूद है। मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो। मुझे ये इंसान चाहिए। तुम्हारी हालत तो मेरी जैसी थी। नहीं, तुमसे भी बदतर थी मेरी हालत। तुम तो कहीं भी आने जाने के लिए आजाद हो, पर मैं तो दास था। मैं तो कभी भी आजाद नहीं हो पाता अगर साई मेरी मदद ना करते। अगर साई ने मेरी मदद की है तो तुम्हारी भी जरूर करेंगे। किस मुंह से जाऊं उनके पास? बड़ी बेअदबी से पेश आया था मैं उनसे। मुझे शक है कि मेरी मदद वो करेंगे भी कि नहीं। पत्नी के पास जाने की जिद में मैंने साई की हत्या करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद भी साई ने मेरी मदद की। वो कभी भी किसी से बैर
द्वेष नहीं रखते। जो कोई भी उनसे सच्चे दिल से ईमानदारी से मदद मांगे तो उसकी मदद करते हैं मेरे साईं। राम जी भला करे माई। माई माई, ये झोपड़ी की छत कैसे टूट गई? पुरानी है, हर साल धीरे धीरे खराब होती जा रही है। उस तरफ की तो कुछ दिन पहले ही टूट गई थी। अब गर्मी का मौसम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बरसात में कैसे रहूंगी? साईं, जबुलानी, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जाओ जरा जंगल से कुछ बांस काट कर ले आओ। लेकिन साई, मैं तो ये कहने आया था कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगा, लेकिन अभी ये ज्यादा जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके जंगल से बांस काट कर ले आओ। जाओ। हुकुम चलाने के लिए सबको मैं ही मिलता हूं। जाओ। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मेरी मेहनत रंग लाएगी। पास देने के बाद साईं फौरन मेरी मदद करेगा। खाली हाथ गया तो उस्ताद से किया वादा टूट जाएगा और वो गुस्सा होंगे सो अलग। ये लो साईं, ले आया। हाँ, क्या अब तुम छत की मरम्मत करने में मेरी मदद करोगे? मदद तो मुझे चाहिए साईं। हाँ हाँ, तुम्हारी मदद भी करूंगा, लेकिन अभी इस माई की मदद करना ज्यादा जरूरी है। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे ये मेरी मदद करेगा या फिर सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है? हो गया साईं। तो लो, अब इस घास फूस को चटाई पर बिछाओ। ये तुम सही नहीं कर रहे हो साईं, केवल मुझसे काम करवा रहे हो। वो तो भीवा ने कहा कि तुम मेरी मदद करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। लेकिन जब से मैं आया हूं तब से तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा इरादा ही नहीं है मेरी सहायता करने का। इससे पहले कि उस्ताद तुम्हारे साथ मुझे देखकर मेरी जान ले ले, मैं जा रहा हूं। जा रहे हो तो मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें, लेकिन जाने से पहले ये बचे हुए बांस बाहर रख दो।
वरना ये माई इनमें उलझ कर गिर जाएगी। अब ये भी कर ही देता हूं। ये कैसा करिश्मा है? पास गन्ने में कैसे परिवर्तित हो गया? ये जरूर साई ने किया है। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। तुम्हें इसकी ही तलाश थी ना? वो कभी भी किसी से बैर द्वेष नहीं रखते। जो कोई भी उनसे सच्चे दिल से ईमानदारी से मदद मांगे तो उसकी मदद करते हैं मेरे साई। क्या सच में अंधा था मैं जो इस इंसान को पहचान ना सका? उस साई को भुलाकर मैं शिरडी छोड़कर चला जाऊंगा। अगर किसी ने ऐसा सोचा भी था तो गलत सोचा था। ये तो तूफान से पहले की शांति थी कुलकर्णी सरकार, और इस तूफान का नाम है दिलावर अली। हम दोनों ने अपने अपने तरीके आजमाए, लेकिन नतीजा इसीलिए दिलावर अली की जरूरत पड़ी। आपका संकेत किस ओर है यह स्पष्ट कीजिए। और स्पष्ट करूं? आपने अपने तरीके से और मैंने अपने तरीके से साई को शिरडी से निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हम दोनों ही नाकामयाब रहे। दिलावर अली को देखिए, उसने आते ही परिणाम दिखा दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज साई की द्वारका माई पर कब्जा है दिलावर अली का, और उसी द्वारका माई में वही साई एक कोने में रहने के लिए विवश हो चुका है। और दिलावर कितना निडर है ये तो आप स्वयं देख चुके हैं। अब बस कुछ दिन के लिए अपने सीने पर पत्थर रख के तमाशा देखिए। लेकिन मेरे साथ व्यवहार करने का ये ढंग नहीं है रत्नाकर जी। कुलकर्णी सरकार, मैंने कहा ना बस कुछ ही दिनों की बात है, क्योंकि उससे आपको और मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। एक बार हमारा काम हुआ उसके बाद दिलावर अली अपने रास्ते। अब भी आप कहते हैं कि मैं दिलावर अली को यहां से ले जाऊं? अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे स्पष्ट कह दीजिए, क्योंकि मेरी जानकारी में आप जैसे कई राजा हैं जो और गांव का राजा बनने की लालसा रखते हैं और अपनी इस लालसा को पूर्ण करने के लिए मुझे अपने गांव की भूमि खुशी खुशी दे देंगे। ना आपका समय नष्ट होगा ना मेरा। प्रणाम। रुक जाइए। यदि आप कह रहे हैं तो इस बार मैं उस दिलावर को क्षमा कर देता हूं, लेकिन समझा दीजिए उसे, यदि उसने इस तरीके का व्यवहार दोबारा मेरे साथ किया तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। सा,
उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए कुलकर्णी सरकार। आप तो बस आराम से बैठिए और खेल का मजा लीजिए। इसी खुशी में मुंह मीठा किया जाए। लीजिए आप लीजिए। जाओ जाओ, तुम्हारे उस्ताद राह देख रहे हैं तुम्हारी। साईं, मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं आपको पहचान ना सका, बड़ी बदतमीजी से पेश आया आपके साथ। आप तो मेरी मदद करना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी बार भी आप पर यकीन ना कर मैं चला जा रहा था, और आपने मेरी जरूरत को पूछे बगैर ही मेरी मदद कर दी। जब मैंने तुमसे जंगल से बांस काट कर लाने की मदद मांगी थी, तब तुम क्रोध में भी बांस लेके आए, और ना चाहते हुए भी तुमने माई की मदद की। तुम्हारे क्रोध ने तुम्हें ये अच्छाई करने से बहुत रोका है ना, क्योंकि क्रोध हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। ये हमें अच्छाई नहीं देखने देता, हमारी अच्छाई को समझने की क्षमता छीन लेता है, अच्छाई को दूर कर देता है हमसे। तुम यहां भीवा के कहने से आए थे, लेकिन तुम्हें भीवा की बात पर पूरा विश्वास नहीं था। तुम्हें विश्वास नहीं था कि उसकी बात सच है या नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें पूरा यकीन होता तो ऐसे गुस्सा नहीं होते तुम। चबुलानी, गुस्सा करने से कोई भी परेशानी हल नहीं होती है, बल्कि और बढ़ जाती है। देखा बोरू, गुस्सा करके हम अपनी तमाम परेशानियों को हल कर सकते हैं। देखा कैसे उस बादशाह को अपने मुंह की खानी पड़ी। अगर मैं उस पर गुस्सा ना करता तो वो हम पे अपना हुक्म चलाता। इंसान को अगर कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी पाना है, तो उसे अपने अंदर के गुस्से को नहीं मानने देना चाहिए। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने गुस्से के बदौलत हूं। मोहब्बत, लगाओ, ये सब बेकार की बातें हैं। अहम केवल मंजिल है, मकसद है। मैं समझ गया हूं साईं, मेरी जिंदगी का जो मकसद है उसे हासिल करने के लिए श्रद्धा और सबूरी की जरूरत है, एहतराम और सब्र की जरूरत है। जिस दिन तुमने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया, खुद को अपनी मंजिल के बहुत करीब पाओगे तुम। साई, मैं यहाँ आया था उस्ताद से दिनों तालीम सीखने, लेकिन ऐसे डर के माहौल में अब शायद और कुछ नहीं सीख पाऊंगा। पर अब वो दिन आ गया है साई, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मुझे अपनी जिंदगी को उस मुकाम पर कैसे ले जाना है। बस आपसे एक गुजारिश थी, क्या आप इसे उस्ताद को दे देंगे? अगर उनके पास गया तो वो वापस नहीं आने देंगे मुझे। बहुत कुछ सीखा है उनसे, लेकिन अब अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय करना है मुझे। बस जाने से पहले इस घर की छत को अच्छे से बनाना चाहता हूं। राम जी भला करें, आपको कभी भूल नहीं पाऊंगा साहिब। बता, परेशानी क्या है तेरी? मैं बहुत मेहनती हूँ दिलावर जी, और अच्छा खासा कमा भी लेता हूँ, लेकिन फिर भी पैसे नहीं बचा पाता। शिरडी के अंदर और भी खाट बनाने वाले हैं,
जो मुझसे भी ज्यादा अमीर है। पता नहीं उस ईश्वर को इस ईश्वर से क्या नाराजगी है कि मैं अमीर ही नहीं बन पा रहा हूं। तेरे हाथ की लकीरें ये बता रही हैं कि तेरी आमदनी बिल्कुल ठीक ठाक है पर फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है, इसीलिए बरकत नहीं होती। खर्चे तो बहुत हैं, पूरे 5 लोग हैं परिवार में और कभी कभी मेरी बीवी अपने भाई बहनों को पैसे भेज करके उनकी मदद भी करती है। यही है तुम्हारी परेशानी की वजह। क्या? जब बचत के सारे पैसे तुम्हारी बीवी मायके भेजेगी तो तू अमीर कैसे बनेगा? हाँ, क्या जरूरत है इसकी? वो क्या है दिलावर जी, मेरी बीवी पूर्णा अपने परिवार की सबसे बड़ी है। जब वो छोटी थी तभी उसके माँ बाप चल बसे, तभी से उसने अपने भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। अभी उसका भाई 16 साल का है, पढ़ाई लिखाई करता है और छोटा मोटा काम करके अपने भाई बहनों को पाल पोस रहा है। मेरी बीवी कहती है कि जब तक वो अपने पांव पर अच्छे से खड़ा नहीं हो जाता तब तक हमें उसकी मदद करनी होगी। यही परेशानी है मर्द जात की। बीवी ने प्यार से मुंह फुला के दो बातें क्या कहती हैं कि तुम लोग उसकी जरूरतें पूरा करने के चक्कर में, उसकी ख्वाहिशें पूरा करने के चक्कर में अपना सब कुछ लुटाने पे आमादा हो जाते हो। अरे अगर उसे इतना ही शौक है तो वो खुद क्यों नहीं कमाती? लेकिन पूना तो मेरी बहुत मदद करती है। तो एहसान कर रही है क्या वो तुझ पे? लड़की की शादी के बाद ये फर्ज होता है कि वो अपने खाबिंद अपने बच्चों का ख्याल रखे, वरना तुम जितना भी कमाओगे कभी अमीर नहीं बन पाओगे। और मदद भी किन की? उन बेशर्मों की जो अपने बहन के ससुराल से पैसे लेते हैं। ऐसे लोग किसी भी बहाने से घर में दाखिल होते हैं, एक आने का पेड़ा लाकर 1 रुपए का मावा ले जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें एक दिन कंगाल बना के छोड़ेंगे। तुम्हें मर्द बनना होगा और अपनी बीवी को अपने काबू में रखना होगा। और जैसे ही तू उसको काबू में रखना सीख लेगा, देखना एक दिन तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सही कह रहे हो, मैंने भावनाओं में बहकर अपनी बीवी को उसके मायके वालों की मदद करने की छूट दे रखी है। बस अब और नहीं। क्या कहा दिलावर जी ने? अरे बहरे, क्या कहते हैं, जब लाली क्यों नहीं आया? जी उस्ताद। दिलावर जी, तू ये गन्ना लेकर क्यों आया है? ये आपके लिए ही है। गन्ना लाने के लिए मैंने जबलानी से कहा था, उसी ने दिए हैं आपको देने के लिए। वो खुद क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो चला गया। चला गया मतलब? कहाँ गया वो? शायद अपने घर। नामुमकिन, जबलानी ऐसे नहीं जा सकता। जबलानी ने उस्ताद को वादा किया था कि वो उनके हर हुक्म को पूरा करेगा। और उसने अपना वादा पूरा किया भी। जाने से पहले अपने उस्ताद के आखिरी हुक्म के मुताबिक पहले उसने गन्ना ढूंढा, उसके बाद ही वो गया।
गया नहीं है, वो भाग गया। ये भी कामचोर निकला, बड़ी बड़ी बातें करता था कि दीने तालीम हासिल करूंगा, आपसे सीखूंगा, लेकिन जरा सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, चोरों की तरह भाग गया धगाबाज। चबुलानी पर आरोप लगाने से पहले मुनासिब ये होगा कि आप उसके हालात के बारे में सोचें। ऐसी कोई तो मजबूरी होगी कि वो ऐसे ही चला गया बिना बताए। कोई तो ऐसा डर जरूर होगा जिसकी वजह से वो आपसे इजाजत लेने के लिए भी नहीं लौटा। ए फकीर, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास है, सब बकवास है, मैं नहीं मानता। शादी के बाद औरत अपना घर छोड़कर पति के घर जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने मायके को भूल जाए या फिर अपने माता पिता भाई बहन की जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ ले। अगर पति पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां होती है तो पत्नी की भी जिम्मेदारियां होती है अपने मायके के प्रति। और फिर पूर्णा भाभी तुम्हारे काम में भी मदद करती है ना? अरे तो एहसान थोड़ा ही कर रही है, फर्ज है उसका। उसके भाई बहनों पर तरस खा करके मैं पिघल जाता हूँ। पूर्णा के भाई बहनों के भविष्य के चक्कर में मैं अपने बच्चों के लिए भविष्य में कुछ भी नहीं बचा पाऊंगा। बस अब मेरे ससुराल वालों के लिए मेरी तरफ से मदद के दरवाजे आज से बंद। अब उसके भाई बहनों को मेरी तरफ से एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर वो भूखे हैं तो काम करें। पूर्णा का भाई सोपान, उसकी उम्र के बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ करके काम करते हैं लेकिन अपनी बहन के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे तीनों तालीम के तौर तरीके पे सवाल उठाने की? मैं यहां उन्हें जबरदस्ती लेके नहीं आया हूं, वो खुद आए हैं। कोई अपनी मर्जी से आया है तो मर्जी से जा भी तो सकता है। एक बात बता, तू उनकी पैरवी क्यों कर रहा है? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उन्हें यहां से जाने के लिए उकसाया हो? कल जब मैं नहा रहा था तो तू उस मुन्नू से क्या बातें कर रहा था? और आज ये जबुलानी का तुझे गन्ना देकर जाना, मतलब वो तुझे बाहर मिला, तू शक के घेरे में है। इंसान वहीं ठहरता है जहां उसे इज्जत मिलती है। हो सकता है उसे आपका बर्ताव अच्छा ना लगा हो। अच्छा बर्ताव? वो मेरा दामाद बनने नहीं आया था यहां, सीखने आया था मुझसे, उस्ताद बनाया था उसने मुझे अपना। मैंने तभी कह दिया था कि बहुत मुश्किल होगा, तो उसने खुद हामी भरी थी। जब तक सख्ती से पेश नहीं आता तब तक शागिर्द नहीं सीखते, क्यों बोरू? बिल्कुल उस्ताद, आपने बिल्कुल सही कहा। साईं, हमारे उस्ताद बखूबी जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है और क्या नहीं। वो हर मुमकिन तरीके से हमारी मदद करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें सख्ती क्यों ना बरतनी पड़े, लेकिन उस सख्ती में भी उनकी मोहब्बत छुपी होती है, नफरत नहीं। अगर सुनार सोने को ना पीटे तो जेवर कैसे बने? एक लोहार अगर लोहे को प्यार से पुचकारेगा तो क्या लोहा अपने आप तलवार बन जाएगी?
सूरज की गर्मी जब किसी बीज को प्यार से पुकारती है, पानी उसे प्यार से सहलाता है और मिट्टी उसे अपने गोद में बिठाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, तब कोई बीज अंकुरित हो पाता है, पौधा बनता है। अगर तुम बीज को ही चोट पहुंचाओगे तो कैसे पौधा बन सकेगा? अगर उस्ताद सख्त हो तो उसके शिष्य उसे नापसंद करते हैं, लेकिन वही बच्चे अपने दोस्तों के साथ तय समय पर खेलने पहुंच जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि अपने दोस्तों से उन्हें डर नहीं होता, अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं वो। किसी भी तालीम की बुनियाद खौफ या डर कैसे हो सकती है? अगर तुम बीज को ही चोट पहुंचाओगे तो कैसे पौधा बन सकेगा? अगर उस्ताद सख्त हो तो उसके शिष्य उसे नापसंद करते हैं, लेकिन वही बच्चे अपने दोस्तों के साथ तय समय पर खेलने पहुंच जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि अपने दोस्तों से उन्हें डर नहीं होता, अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं वो। किसी भी तालीम की बुनियाद खौफ या डर कैसे हो सकती है? पांच क्या जाने मां का हाल, ना तुम्हारे कोई शागिर्द हैं और ना ही कोई उस्ताद, और जैसा तूने बताया वैसा कोई भी उस्ताद पेश नहीं आता। मेरे दोनों शागिर्द कमजोर थे, भाग गए। ये देखो, मेरे बुरु को देखो, वो मजबूत है मन से भी, तन से भी और अपने इरादों से भी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा हमेशा साथ देगा, ये बनेगा मेरा काबिल शागिर्द। क्यों बोलो? जी उस्ताद। उड़ कौवा उड़। सोपन मामा। सोपन कैसी हो ताई? खुश रहो। कैसा है तू? अच्छा हो ताई, आप कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। कौन है? जीजा जी। क्या काम पड़ गया हमसे? कोई काम नहीं है, मैं तो अपनी भांजी को उसके जन्मदिन की बधाई देने आया हूँ और साथ में मिठाई भी लाया हूँ। लावड़ी ने
बिल्कुल सच्ची कहा था। मिठाई लाया है या घर में घुसने का बहाना है? एक आने का पेड़ा लाओ और एक रुपए का मावा लेकर के जाओ यहां से। सोपान, ये ले, पानी पी ले। सचमुच दोनों भाई बहन मिलकर के मुझे कंगाल बना देंगे। पता नहीं इतने दिनों तक अंधा कैसे बना रहा। हे भगवान, इन्हें हो क्या गया है? क्यों सोपान के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आज? खाना बनाओगी या भाई के आ जाने से सब काम बंद? भूख लगी है मुझे, खाना कब देगा तू? मुन्नू और जाबलानू से काम करा करा के निकम्मा हो गया है। जल्दी परोस, खाना तैयार है उस्ताद। परोस। रुक, ये फर्श साफ करने क्या मुन्नू की रूह आएगी? माफी उस्ताद। पागल हो गया है तू? ये देख, इस पत्तल में धूल जमी हुई है। जा, दूसरा पत्तल लेके आ, ले जा, बदल के ला। जल्दी कर, नामकूल भूखा मारेगा मुझे आज। अब ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे पानी चाहिए। माफी उस्ताद। अब ये मत कहना कि पानी खत्म हो गया है। उस्ताद, उस्ताद वो मैं लेकर आता हूं। बेवकूफी की भी हद होती है मक्कार कहीं के। माफी उस्ताद, बस मैं अभी लाया। रुको, मेरे घड़े में पानी है, ताजा है और झूठा भी नहीं है, ले लो। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? मेरे खाने पे नजर लगाएगा? दबाओ यहां से। माफी उस्ताद, गलती हो गई।
गन्ना लाने के लिए मैंने जबलानी से कहा था, उसी ने दिए आपको देने के लिए। वो खुद क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो चला गया। कहाँ गया वो? शायद अपने घर। उस्ताद हमेशा सही होते हैं। मुझे ये मालूम करना होगा कि मुन्नू और चुगलानी को भड़काने में क्या साईं का कोई हाथ है। इन्हें दुकान पर रखवा देना। हाँ, ये तुम्हें बहुत पसंद है ना सोपान? हाँ ताई, जानती है ये मेरे बचपन की बात है। जब हमारे पड़ोसी के घर में पूजा थी, हमें भी बुलाया था उन्होंने, और मुझे पहले से पता चल गया था कि वहाँ पूरनपोली बनने वाली है। तो ये जान के मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, पूरा दिन भूखा रहा। पता है क्यों? ताकि मैं ढेर सारी पूरनपोली खा सकूं। अच्छा, तो फिर आपने कितनी खाई? उस समय तो लगभग 8-10 पूरनपोली खा लिया होगा मैंने। 8-10? और आज भी दूसरों के घर में घुसकर उनका माल उड़ाने में मजा आता है तुम्हें। पूना? जी आई। आपने बुलाया, ये लीजिए। ये सब क्या हो रहा है पूना? अपने भाई पर इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? ये सोपान के लिए नहीं है, आज आपकी बेटी का जन्मदिन है, उसके लिए है ये। हाँ तो मन्या कौन सा शेर पर खा लेगी? भाई आ जाए तो तिजोरी खोल दो उसके लिए और उंडेल दो सब कुछ कढ़ाई में। ये आज आपको हो क्या गया है? धीरे बोलिए आप, कहीं सोपान ने सुन लिया तो क्या सोचेगा वो? बिना बताए कहां चले गए उस्ताद? अगर मुन्नू और जब्बू को भड़काने वाला साईं है तो यकीनन मुझे भी उकसाएगा उस्ताद को छोड़कर जाने के लिए। आजमाता हूं इसे और फिर उस्ताद के सामने बेनकाब कर दूंगा इसको। तुम्हारे मटके से पानी पी लूं? तुम्हें तो पता ही है अगर मैंने उस्ताद के मटके से पानी पिया तो मेरी खाल खींच लेंगे। हाँ ले लो। शुक्रिया। अकेले मैं ही बचा हूं उस्ताद का जुल्म झेलने के लिए। तुमने सही कहा था, उस्ताद का तालीम देने का तरीका शायद सही नहीं है। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ
क्योंकि हमेशा जुबेलानी और मुन्नू ही उनके गुस्से का शिकार बने। लेकिन उन दोनों के जाने के बाद सब कुछ मुझे ही सहना और करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है। परेशान मत हो, अगर किसी भी काम में मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना। बोल नहीं रहा है इस डर से कि कहीं उस्ताद ना लौट आए। जब बुलानी से साईं बाहर ही मिला था, हो सकता है बाहर थोड़ा खुल के बोले। सुनो, उस्ताद भी ना जाने कहां चले गए हैं और तुम भी जा रहे हो। मैं यहां अकेले क्या करूंगा? अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, आ जाओ। जीजा जी को लग रहा होगा कि मैं खाने के लिए रुक गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, अगर नहीं रुकता तो ताई को बुरा लग जाता। नहीं ताई। क्या हुआ, तू पूरन पूरी के लिए मना कर रहे है? खा लेता पर मेरा पेट भर गया है और मुझे देर भी हो गई है, मुझे चलना चाहिए। शुरू हो गया भाई बहन का नाटक। सोपान, क्या हो गया तुझे अचानक? कुछ नहीं ताई, मैं जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो गया ना। मान्या को उसके जन्मदिन की बधाई दे दी और आप सबसे भेंट भी हो गई। मुझे माफ कर दो ताई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कैसी बातें कर रहे तू? हाँ, देखा नहीं तूने, तेरे आने से बच्चे कितने खुश है। लेकिन जीजाजी नहीं। पति पत्नी में नोकझोंक तो होती ही रहती, होंगे किसी बात पे नाराज। मैंने कहा ना, आज तू कहीं नहीं जाएगा, आज यही रहेगा तू। नहीं ताई, मैंने कहा ना, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। आइए साई, ये मेरा छोटा भाई है सोपान। प्रणाम साई। राम जी भला करें, ये वही है ना जिसे तुमने पाल पोस के बड़ा किया है? हाँ साई। इसकी शराफत और इसके उदार स्वभाव को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये तुम्हारा भाई है। बिल्कुल अपने जैसे संस्कार दिए हैं तुमने। भाई बहन का रिश्ता संसार के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। इसमें मां की ममता भी है और मित्रता का भाव भी।
साई, मैं अभी आई। अपनी बहन की इज्जत करते हो ना तुम? मुझे जन्म माता पिता ने दिया, लेकिन ताई ने मुझे और मेरी बहनों को पाला है। उनके होते हुए हम अपने आप को कभी अनाथ नहीं समझते। बड़ी देर लगा दी आपने, बाहर साई आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? केवल एक ही पूरन पुली बच्ची है, वो भी तुम्हारे हिस्से की। आप बेकार में मेरी चिंता कर रही है, इसे साई को दे दीजिए। तुम्हारी इच्छा पूरी हो। क्या हुआ ताई, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या करूं, आज तूने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया। तुम्हारे लिए एक पूरन पुली बचा के रखी थी, वो भी तेरे नसीब में नहीं। कोई बात नहीं ताई, कल जब मैं जाऊंगा तो ये पूरा डब्बा पूरन पुली का। क्या हुआ साईं, वो रो क्यों रही है? भाई के लिए बहन का प्यार उमड़ रहा है और आंखों से बहते इस पानी में इतनी शक्ति है कि पर्वत को भी पिघला दे। बहने ब्याह होके विदा होके अपनी ससुराल चली जाती हैं, कई बार सालों तक अपने भाई से नहीं मिल पाती वो, लेकिन फिर भी भाई बहन के बीच का प्यार कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। और बहन के प्यार, उसकी दुआ, उसके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि अपने भाई की हर मुसीबत से रक्षा करती है। Oh,
नामुराद, कहां गायब हो गया था तू? और इस फकीर के साथ क्या कर रहा था? ओह, तो तू भी मुझे छोड़कर यहां से भागने की तैयारी कर रहा है? नहीं उस्ताद, ऐसी कोई बात नहीं। बातें नहीं, काम कर, समझा? काम कर। ऐसे निकम्मों को अपने साथ रखने का कोई शौक नहीं है मुझे। उस्ताद, आप बेफिक्र रहिए, मैं सारा काम चुटकी बजाते खत्म कर दूंगा। लाख कोशिश कर लो, लेकिन इस मर्तबा ढूंढ नहीं पाओगी मुझे। मैं थक गई तुझे ढूंढ ढूंढ कर, बाहर आना। लाख कोशिश कर लो, लेकिन इस मर्तबा ढूंढ नहीं पाओगी मुझे। वो आपा से मिले हुए एक अरसा हो गया है मुझे। सोच रहा था एक मुलाकात करके आ जाऊं उनसे। आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूं उस्ताद, बहुत जल्द लौट आऊंगा। बस एक बार उनसे मिलने की तमन्ना हो रही है, वो राह देखती होंगी मेरी। शागिर्द बनाते वक्त मैंने तुझसे कुछ कहा था कि अगर मेरे साथ रहना है, मुझसे कुछ सीखना है, तो सारे रिश्ते नाते तोड़ने होंगे तुझे, सबको भूलना होगा। तो उस्ताद, मैं भी तो आपके साथ रहने। लेकिन ये ख्याल तुम्हारे मन में आया कैसे? हाँ, देख रहा हूं जब से तू बाहर से घूम के आया है, एक काम तू ढंग का नहीं कर रहा, तुम्हारा मन ही नहीं है यहाँ। नहीं उस्ताद, मैं तो केवल पूछ रहा था। पूछना गुनाह है, तौहीन है मेरी। इससे ये जाहिर होता है कि तुमने मुझसे कोई भी इल्म हासिल नहीं किया, कुछ भी नहीं सीखा तुमने मुझसे। तुम्हारा मेरे साथ रहना बेकार गया, दफा हो जाए यहां से। मुझे तुम जैसे नालायक और निकम्मे की कोई जरूरत नहीं है। जैसे वो दोनों भागे, तू भी भाग जा, दूर हो जा मेरी नजरों से, चला जा। नहीं उस्ताद, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मुझसे गलती हो गई उस्ताद, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। वो क्या है ना,
आज वाकई में आपा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। आप सही कह रहे हैं उस्ताद, मैं सारे रिश्ते नाते भूल जाऊंगा, हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी नहीं मिलूंगा आपा से, कभी नहीं। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए उस्ताद। ठीक है, दिया तुझे आखिरी मौका, लेकिन याद रहे आइंदा से ऐसा वाहियात ख्याल मन में आना भी नहीं चाहिए। और अगर तुमने दुनिया से नाता जोड़ने की कोशिश की तो मुझसे तुम्हारा नाता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। जी उस्ताद। मैं कभी भी किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाऊंगा, उस्ताद के साथ ही रहूंगा, ताकि उनके काजी बनने पर मैं उनका दाहिना हाथ बन सकूं। मेरी नजरें मंजिल से अब नहीं डगमगाएंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है, क्या मेरा परिवार उनका परिवार नहीं है? और मैं अपने भाई बहन की मदद नहीं कर सकती, और क्यों नहीं करूं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो पूर्णा, मुझे लगता है कि अगर तुम अपने पति से शांति से बात करोगी, उन्हें समझाओगी, तो वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। हाँ हाँ, करती हूँ मैं उनसे बात सोपान के जाने के बाद। मामा जल्दी आना, अगली बार हम लोग मामा से मिलने खुद जाएंगे। हाँ जरूर आना। ये ताई कहाँ रह गई? चलता हूँ जीजाजी। चलता हूँ ताई। ये रास्ते के लिए है। ठीक है। अरे
चांदी का सिक्का? ये मेरा सिक्का है। पर ये नीचे गिरा हुआ था। लेकिन पहले मैंने देखा था। टूटा है तो मैंने ना। मैं कुछ नहीं जानता, अगर नहीं देखा ना तो छीन के लूंगा। सही आप आ गए। ये मेरा सिक्का है और इसके लिए लड़ रहा है मुझसे। नहीं सही, ये मेरा सिक्का है। ये क्या किया सही आपने? वैसे ने तुम दोनों के मन में लालच पैदा कर दिया था, झगड़ा लगा दिया था तुम्हारे बीच। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम मंदिर के सामने झगड़ा कर रहे थे। यही सबके हित में है, सबकी इसी में भलाई है कि जिस चीज से लोगों के बीच द्वेष पैदा हो, सद्भावना समाप्त हो, उस वस्तु को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जो पैसा भगवान को अर्पित किया, अब वो सबकी भलाई के काम में आएगा। जीने के लिए धन आवश्यक है, लेकिन उसे इतना भी जरूरी नहीं बना लेना चाहिए कि परिवार में, समाज में अशांति की वजह बन जाए। धन सुविधाओं का साधन हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनापन, शांति, रिश्ते नाते। धन को संबंधों को मजबूत बनाने की वजह होनी चाहिए, ना कि संबंधों को तोड़ने की। दुकान जाने से पहले बाजार से लकड़ियां खरीदनी है खाट बनाने के लिए। इसमें तो पैसे कम है। समझा। पूना आई एम। क्या हुआ आप इतने इसे हिलाने से ही पता चल रहा है कि इसमें कल के मुकाबले पैसे कम है। जी वो, मैंने सोचा कि अपने निकम्मे भाई को खैरात में पैसे दे दूं। पति तो कमा ही रहा है, उड़ा दूं। तुम्हारे भाई को तो कोई लाज शर्म है नहीं, मनुष्य की तरह हर बार हाथ फैलाए चला आता है यहाँ पर। बाबा, आप भाई को चुप
बाहर जाओ तुम दोनों। आप मेरे भाई के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो तो आपकी इतनी इज्जत करता है, उसे तो हमारे पैसों में कोई रुचि भी नहीं है। वो तो कहता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा रहने का और इंतजार भी नहीं कर सकता। चिकनी चुपड़ी नहीं बोलेगा तो उसे पैसे कहां से मिलेंगे? अरे वो तुम्हें भावुक करके बेवकूफ बना रहा है। और ये हमारे पैसे से क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर में जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरा है, सारे पैसे सिर्फ मेरे हैं। तुमने बिना अनुमति के पैसे निकालने की हिम्मत कैसे की? अनुमति? केवल मेरे पैसे? इन पैसों पे मेरा कोई अधिकार नहीं है? है, लेकिन सिर्फ उतने पे जितना मैं तुम्हें दूं। ऐसा नहीं कि तुम सब उड़ा सकती हो। ये तो ईश्वर के चिल्लाने की आवाज है। हाँ, लेकिन ईश्वर तो कभी गुस्सा नहीं करता, आज अचानक क्या हो गया इसे? याद रखो, इस घर में जो भी पैसा आता है वो मेरी मेहनत की कमाई से आता है, इसलिए सिर्फ मेरा अधिकार है उन पैसों पे, समझे तुम? और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने मायके को भूल जाओ। क्या मैं ये नहीं जानता हूं कि तुम किस लिए और किसके पैसों से इन सामानों को खरीद करके जमा कर रही हो? अपनी बहनों के लिए ना, इन चीजों को खरीदने के लिए मेरी कमाई के पैसों को अलग निकाल के रखती हो ना तुम? चोरी के पैसों से खरीदे हुए सामान का यही हाल होना चाहिए। चोरी? बिना पूछे किसी के पैसे इस्तेमाल करना चोरी ही कहलाती है। आपके कहने का यही अर्थ है कि मेरा इस घर की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं? देखिए, खाट बुनते बुनते रस्सी से मेरी हथेलियों को गांठें पड़ गई है, इसके बावजूद भी इस घर के पैसों पे मेरा अधिकार कैसे नहीं है? एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, जबान चलाती है। क्या भीड़ लगा रखी, कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पे? जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पर? ना? पता नहीं अब ताई से दोबारा कब भेंट होगी, क्योंकि जिस प्रकार जीजाजी ने व्यवहार किया उसके बाद भी अगर मैं ताई से मिलने जाता हूँ
तो पता नहीं उस समय जीजाजी कैसा बर्ताव करेंगे। ये रास्ते के लिए है। भाई आ जाए तो तिजोरी खोल दो उसके लिए और उन्हें दो सब कुछ कढ़ाई में। ये क्या किया आपने ताई? अगर जीजा जी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे आपसे। नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद मैं इसे नहीं रख सकता। भैया हाँ, मैं यहीं रोक लो, मुझे यहीं उतरना है। करो पूर्णा, शांत हो जाओ। ईश्वर ने तो अति कर दी साईं, अब तुम ही बताओ अपने भाई बहन की मदद करना गुनाह है क्या? साईं, इसे हमें गंभीरता से लेना होगा, वरना ये घटना लोगों के लिए गलत उदाहरण साबित हो सकती है। सोचो जरा, ईश्वर इसे धक्का मारकर चला गया, उसने मुड़कर भी नहीं देखा कि ये गिर गई होगी, इसे चोट लगी होगी। उस्ताद भी पता नहीं कहां चले गए हैं फिर से। ईश्वर 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 किसने पुकारा मुझे? हाँ, मुझे भी सुनाई दिया, पर ये तो साई की आवाज है, लेकिन इस तरह आपका नाम क्यों लिया उन्होंने? आपको फौरन उनके पास जाना चाहिए। साईं, ऐसे क्यों पुकारा होगा मुझे? ताई, ताई। घर में कोई नहीं है, बाईजा का तुम्हारे ताई को द्वारका में ले गई है। पर क्यों? क्योंकि इसने मेरी बात नहीं मानी और मैंने इसे गिराया विराया नहीं है। बाहर जाने के लिए मैंने हाथ झटका तो ये अपने आप गिर गई, और वो भी इसलिए कि इसका पाव वहां बिखरी हुई बेकार चीजों पे पड़ा जो कि ये अपने भाई बहनों के लिए खरीद के लाई है। तुम्हारी हर बात ये सर झुकाकर मानती रहे ये जरूरी नहीं है, ये धर्म पत्नी है तुम्हारी। मुझे पता है भाई जाग का कि ये मेरी बीवी है, लेकिन शायद ये भूल गई है कि मैं इसका पति हूँ और मेरा घर ही इसका घर है, वरना ये मेरे खून पसीने की कमाई इस तरीके से अपने भाई बहनों पर नहीं लुटाती। उन्हें चोरी छुपे पैसे नहीं देती। चंद पैसों के लिए अपनी पत्नी से इतना बुरा व्यवहार करोगे तुम? तुम पैसे से नहीं, संतोष से गरीब हो। बहुत पैसे कमाने की भूख है ना तुम्हें, है ना? तुम सोचते हो कि तुमने जो भी पैसा कमाया वो सिर्फ तुम्हारा है, केवल तुम्हारा हक है उस पर, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारी पत्नी का उस पैसे पर बराबर का अधिकार है, क्योंकि अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करती तो इतने पैसे तुम कभी भी नहीं कमा पाते। और अपनी पत्नी को खुश रखना ये फर्ज है तुम्हारा, जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारी पत्नी को अपने भाई बहनों की मदद करके खुशी मिलती है तो तुम्हें उसका सहयोग करना चाहिए। देखो अपने बच्चों की तरफ, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे इस पैसे कमाने की भूख की वजह से खुश नहीं रह पा रहे। एक अच्छा बाप होने के नाते तुम्हें उन्हें खुशी देनी चाहिए, लेकिन वो खुशी तुम उन्हें नहीं दे पा रहे हो। तुमने जो किया उससे उनके मन में डर बैठ गया है, खौफ है उनकी आंखों में। बच्चे तो ना समझ है साईं, लेकिन पूर्णा नहीं, उसे अपने भाई बहनों का कर्तव्य याद है, लेकिन वो अपने पति के प्रति कर्तव्य को भूल गई है। शादी के बाद इतने सालों तक उसने अपने मायके वालों की मदद की, मैंने उसे कभी भी नहीं रोका टोका, लेकिन मेरे भी तीन बच्चे हैं
उनका भी भविष्य है। अगर यूं ही मैं दूसरों के भविष्य सुधारने के लिए पैसे लुटाता रहा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अब मैं किसी और की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। दो नाव की सवारी आसान नहीं है साईं। अब पूर्णा को किसी एक को चुनना होगा, या तो परिवार या फिर अपना मायका। मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाए, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगा। नहीं जीजाजी, ऐसा मत कहिए जीजाजी। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। ताई आपसे बहुत प्रेम करती है, मुझे पता है आप पैसों को लेकर नाराज हैं उनसे। मैं वही तो लौटाने आया हूं आपको। और आपसे एक वादा भी करता हूं, मैं कभी भी आपकी चौखट पे पैर नहीं रखूंगा और ताई से भी बात नहीं करूंगा। ये क्या ताई, ये चोट कैसी? साई आप तो लोगों का इलाज करते हैं ना? हाँ, वो तुलसी का पत्ता याद है ताई, जब मैं छोटा था तो आप मेरे घाव पे लगाते थे कूट के। मैं अभी लाया। हाँ सुख दुख आने जाने हैं, धूप और साए बाबराए, मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह फिर से आएगी ये पानी मिलेगा रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साई। उसने अपना विकल्प चुन लिया। मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी इसे अपना भाई ही दिखा। चलो बच्चों, तुम लोग मेरे साथ चलो। तुम लोग अपने मामा के घर पर नहीं रह पाओगे, वहां हर चीज की तंगी है, बहुत गरीबी है और तुम्हारे मामा के पास में पैसे भी नहीं है। बाबा हमें पैसे नहीं चाहिए, आई चाहिए। मान्या तुम तो मेरे साथ आओगी ना, मैं तुम्हें रोजाना ढेर सारे आम लाकर दूंगा। तुम अपने छोटे भाई के साथ मेरे पास रहो। तुम अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती हो ना, उसकी खूब देखभाल करना। हम लोग सब एक साथ रहेंगे और देखना प्रयास भी वापस आ जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसके लिए कौन सी जगह अच्छी है। ऐसे इसके लिए गुस्सा है ना आप, क्योंकि अपने छोटे भाई का ध्यान रखती है, तो फिर मैं अपने छोटे भाई का ध्यान क्यों रखूं? देखा ईश्वर, बच्चों को भी सही गलत की समझ है, बस तुम ही नहीं समझ सके कि
इस संसार में शक्ति, सत्ता और धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अपनों का साथ। तुम कह रहे थे ना कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन खुद ही देख लो, आज तुम्हारे बच्चों ने भी तुम्हें गलत माना है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे साथ तुम्हारे सुखों को बांटने वाला तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा तो क्या करोगे ऐसे धन का? क्या तुम अकेले जिंदगी बिताना चाहते हो? क्या आज इसी दिन के लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी कि तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएं? बहुत तन्हा, बहुत अकेले हो तुम। बोलो ईश्वर, क्या तुम्हारे लिए यही सही है? नहीं साईं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे लानत है ऐसी जिंदगी पर जिसके लिए अपने परिवार और उनकी खुशियों की बलि चढ़ानी पड़ जाए। आपने मेरी आंखें खोल दी, पता नहीं मैं कैसे बहकावे में आ गया। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो अपने परिवार से मांगो ईश्वर, अपने बच्चों से मांगो, अपनी पत्नी पूर्णा से मांगो। मुझसे पाप हो गया साईं, मेरे लिए मेरे परिवार की खुशियां सबसे बड़ी थी, उन्हें दुख देने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कर दो पूना, माफ कर दो सपन। पूना की खुशी उसके परिवार की खुशी में, और मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। सोपन, आज से तुम अपनी बहनों के साथ में गांव में नहीं, या शिरडी में रहोगे। तुम यहां रहोगे तो पढ़ाई के बाद में तुम्हारे पास जो समय बचेगा उस बचे हुए समय में तुम मेरा हाथ बटाओगे, जिससे तुम्हारी ताई के हाथों को भी आराम मिलेगा। दुकान में काम के लिए हाथ बढ़ेंगे तो कमाई भी बढ़ेगी, सबका साथ होगा तो हम लोग उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। Thank you.
क्या हुआ? अपने हालात पे रो रहा हूँ साईं। एक सोपान है जो अपनी बहन की सलामती के लिए, उसकी खुशियों के लिए उससे दूर रहने को राजी हो गया, और एक मैं हूँ जिसने अपना घर आज अपने मतलब के लिए अपनी आपा को छोड़ दिया। साईं, मेरी आपा ने भी मुझे पूर्णताई की तरह पाला पोसा, मेरी परवरिश की। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी आपा किस हाल में होंगी। मैं बहुत मतलबी हूँ साईं, बहुत बुरा हूँ मैं। लेकिन तुमने अपनी आपा को छोड़ा ही क्यों? मैं उस्ताद के साथ रहकर दिल तालीम हासिल करना चाहता था। उनका उनका खास शागिर्द बनने की ख्वाहिश थी मेरी, ताकि वो खुश होकर सबसे अहम ओहदा मुझे दे सके। लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि दीन तालीम हासिल करने के लिए या कुछ सीखने के लिए अपने परिवार को छोड़ देना, अपने रिश्ते नातों को छोड़ देना जरूरी होता है? वो देखो, उस चिड़िया को देख पा रहे हो तुम? जिस डाल पर वो बैठी है, वो डाल बहुत पतली है, बहुत कमजोर है वो डाल, लेकिन चिड़िया को इस बात का डर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खौफ नहीं है उसे। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा है। अगर तूफान आया और वो डाल टूट भी गई, तो भी वो चिड़िया फौरन उड़ जाएगी, जैसे मछली। मछली चाहे कितने ही गहरे पानी में क्यों ना चली जाए, उसे कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे तैरना आता है। खुद पर एतबार रखो, भरोसा रखो खुद पर। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ कर गुजरने की काबिलियत तुम में है, तो तुम अपनी मंजिल को जरूर पालोगे। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता, तो दुनिया का कोई उस्ताद तुम्हारी मदद नहीं कर सकता।